हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के कोर फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग को घर बैठे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पर आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हैं। ICICI बैंक में यदि आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं कि ICICI बैंक में हम घर बैठे अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोग बिना ATM कार्ड के ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग को घर बैठे एक्टिवेट कर सकते हैं, घर बैठे कैसे एक्टिवेट करते हैं। और सभी ऐप में जितने भी ऐप होते हैं और बैंकों के, वहाँ पर आपको ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ती है आपको मोबाइल बैंकिंग शुरू करने के लिए। लेकिन आपको ICICI बैंक के लिए आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हम ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग कैसे शुरू करते हैं बिना ATM कार्ड के। ICICI बैंक के मोबाइल बैंकिंग में बहुत सारा फंक्शन रहता है, तो यहाँ पर मैं सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक बाय पॉइंट। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके ये बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करते हैं, पहली बार इसे कैसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आई मोबाइल जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आप लोग इस तरह से आपको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे आप, यहाँ पर आपको SMS वेरीफाई करने के लिए आएगा। ध्यान रहे कि जो नंबर आपने दिया है अकाउंट रजिस्टर्ड के समय में, जो नंबर से आपने अकाउंट को रजिस्टर्ड किया है, उस वह नंबर इसमें लगा होना चाहिए, सिम आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन सेट करना है। यहाँ पर चलिए हम पिन सेट कर लेते हैं, फिर से यही पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। अब इसमें आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, अब ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। अब यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ से कट कर देते हैं इसको फिलहाल। अब यहाँ पर आपका यहाँ से व्यू बैलेंस करेंगे तो अपना बैलेंस को देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पहले हम UPI ID क्रिएट करना सिखा देते हैं। यहाँ पर क्रिएट UPI ID लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर मैनेज लिखा है आपको और UPI Mandate, यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई प्रोफाइल है और यहाँ पर UPI Mandate है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू लिखा है, इस पर क्लिक करिए। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर UPI ID एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट अपना देख सकते हैं, आपका अकाउंट में कितना क्या बैलेंस है, लास्ट ट्रांजेक्शन कितना वहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर डिले ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यदि कोई आपका ट्रांजेक्शन फंस गया या फिर उसमें डिले हुआ तो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर कोई डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डेट देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कोई डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं डेट वाइज भी, कोई डेट में आप यहाँ पर कोई पेमेंट, यहाँ पर ट्रांजैक्शन के बारे में जान सकते हैं। मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो माय अकाउंट डिटेल पर दिखाई देगा, मैनेज डेबिट कार्ड है, पासबुक है और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर देखिए माय अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट से संबंधित सारा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना डेबिट कार्ड का, अपना ATM कार्ड का यहाँ पर बैलेंस चेक कर पाएंगे। चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। यहाँ से कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ पर नया पिन बनाना है तो यहाँ पर जनरेट पिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ATM कार्ड नंबर डाल के सारा डिटेल यहाँ पर भेज करके सबमिट करेंगे तो आप यहाँ से नया पिन भी अपना बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर सेलेक्ट रहेगा, सबमिट करेंगे और यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट कोई मिला होगा तो यहाँ पर शो करेगा। रिवार्ड पॉइंट ये होता है कि यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी शॉपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है और वह पॉइंट को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा में। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड लिमिट में सेटिंग करने के लिए मिलता है डोमेस्टिक, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हैं कि जितना आप ATM से विड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम।
यहाँ पर देखिए मिनिमम यहाँ पर सेट किया हुआ है, आप मिनिमम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख ही निकालना, तो यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि करंट यहाँ पर जो POS से है या ई कॉमर्स के साइट से आप निकालते हैं कोई पैसा, तो यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल शॉपिंग का भी यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है बोथ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कार्ड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है पासबुक, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना पासबुक का पूरा डाटा देख सकते हैं कि पासबुक में कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना पैसा कटा है, कितना पैसा आया है, सारा डिटेल यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर चूंकि कोई अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, जितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं। आप यहाँ से ऊपर में भी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे में अपना हिसाब से यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है इसमें पैसा डालने के लिए, डेबिट कार्ड और यहाँ UPI। इस पर क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड पर तो इस पर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना कोई ATM कार्ड है आपका, दूसरा बैंक का कोई और, तो यहाँ पर डाल करके इसको पे नाउ करेंगे और यहाँ से इसमें फंड अपना डाल सकते हैं, यानी इसमें पैसा आप डाल सकते हैं घर बैठे। इसके बाद आपको यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप UPI के थ्रू भी इसमें पैसा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा UPI आपको मिल जाता है, जो UPI से आप डालना चाहते हैं यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर बिल पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड का बिल हो या पोस्ट पेड का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल या गैस का, DTH का, फास्टैग का, ICICI प्रीमियम लाइफ का, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर पे कर सकते हैं। मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा, आप किसी को भी यहाँ से पे कर सकते हैं या यहाँ से ऐड रिमाइंडर कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि बाद में बिल भरना के लिए तो यहाँ पर ऐड रिमाइंडर भी कर सकते हैं, या फिर ऐड बिलर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बिल डायरेक्ट पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर है रिचार्ज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को या फिर DTH को या फिर गूगल प्ले स्टोर को भी रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से डाटा कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ डाटा के लिए आपको मिल जाता है रिचार्ज करने के लिए। यहाँ पोस्ट पेड पर क्लिक करेंगे तो अपना पोस्ट पेड मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद मिल जाता है माय अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका अकाउंट से संबंधित सारा कुछ यहाँ पर दिया रहता है। अब इस पर क्लिक करेंगे माय अकाउंट पर, सेविंग अकाउंट पर, तो यहाँ पर देखिए आपको आपका जो मैंने अभी बताया था वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है डिपॉजिट FD RD, अब यहाँ से FD RD भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन FD करेंगे और यहाँ से आप अपना FD कर सकते हैं। यहाँ पर रेट दिखाया गया है कि कितना क्या आपको करना है, यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, FD कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन FD है, इसके जो 60 वर्ष से ज़्यादा है उनका यहाँ पर सीनियर सिटीजन का FD के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 2 मिलता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ से शॉर्ट टर्म का भी FD आप कर सकते हैं। अब इसके बाद मिल जाता है आपको यहाँ पर IVs फ्लेक्सिबल डिपॉजिट, इसके बाद मिल जाता है पे लेटर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी को पे लेटर के थ्रू भी, यानी कि पे लेटर यानी बाद में चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मिल जाता है आपको PPF अकाउंट, यहाँ से PPF अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से करंट अकाउंट के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर पॉकेट वॉलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करेंगे और यहाँ से गेट पॉकेट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पॉकेट वॉलेट भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉकेट वॉलेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप ऐड फंड कर सकते हैं और रिक्वेस्ट फिजिकल कार्ड के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिलता है कार्ड एंड फोरेक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कार्ड से संबंधित सारा कुछ यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फॉरेक्स एंड ट्रेवल कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉरेक्स कार्ड भी ले सकते हैं। चूंकि मेरे केस में अभी ये कोई फॉरेक्स कार्ड उपलब्ध नहीं है तो इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अपग्रेड डेबिट कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हैं डेबिट कार्ड को। इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको कार्ड पिन सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना ATM कार्ड का यहाँ से पिन को जनरेट कर सकते हैं, नया पिन को बना सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना अकाउंट नंबर यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पर
अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको सीवीवी नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। आपका जो सीवीवी नंबर होगा एटीएम कार्ड का यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर चार अक्षर का डेबिट कार्ड का पिन डालेंगे, यहाँ पर एटीएम कार्ड का चार अक्षर पिन डाल देंगे, सबमिट करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर नया पिन भी जनरेट कर सकते हैं, नया पिन बना सकते हैं। इसके बाद मिलता है आपको चेकबुक सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप नया चेकबुक के लिए इशू करने के लिए आप यहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं। कोई चेकबुक है तो उसे आप यहां से बंद भी कर सकते हैं। अब यहां इशू चेकबुक है, यहां पर कोई इशू आपको करवाना है चेकबुक तो यहाँ से इशू इसको करवा सकते हैं। अभी इसके बाद नीचे मिल जाता है आपको इंस्टा बैंकिंग सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कोई चूंकि इसमें ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। चलिए बैक चलते हैं। इसके बाद आपको मिलता है लोन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोन अकाउंट है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर भीम UPI, इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सेंड मनी, किसी को आप यहाँ से UPI के माध्यम से किसी को डायरेक्ट यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आप किसको सेंड करना है तो यहाँ पर ऊपर में आपका जो UPI ID यहाँ पर दिखाई देगा, नीचे में आप इसको जिसको भेजना है उसका UPI ID यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक UPI ID डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक UPI ID डाल दिए। आप जिसको भी आप भेजना है आप उसका UPI ID लेकर के यहाँ से भेज सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वेरीफाई हो चुका है जिसके नाम से ये UPI ID है। अब यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जितना आपको ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर डालेंगे अमाउंट। अब यहाँ पर रिमार्क है, रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप फैमिली है क्या है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के साथ ही आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ से UPI ID के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है कलेक्ट, कलेक्ट में आप यहाँ से UPI ID के थ्रू कलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको भेजते हैं उसी तरह से UPI ID के थ्रू आप कलेक्ट भी यहां से कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहां पर स्कैन एंड पे, इसका काम यह है कि आप किसी को QR कोड को यहां पर स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप कई दुकान पर देखे होंगे गूगल पे, फोन पे या भीम UPI या फिर भारत पे का QR कोड लगा रहता है। आप उसको डायरेक्ट अपने गूगल पे से फोन पे से स्कैन करके पेमेंट करते होंगे तो आपको यहाँ पर गूगल पे फोन पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से पे कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे हाथ में एक यहाँ पर QR कोड दिख रहा होगा, इस QR कोड को हम पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से इसको स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्कैन करने पर यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा जिसको आप करना चाहते हैं। यहाँ पर UPI ID उसका आ गया है, यहाँ पर जितना अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरह से इसको आप पेमेंट यहाँ से QR कोड के स्कैन करके डायरेक्ट इसको पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट है, इसमें यदि आपको कोई पेंडिंग होगा कोई रिक्वेस्ट तो यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से अपने प्रोफाइल को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहां से QR कोड को शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं QR कोड को, डिलीट कर सकते हैं अपना UPI ID को और लिंक अकाउंट जो इसमें है इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहां से चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से बैलेंस भी अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है UPI मैंडेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नया UPI क्रिएट कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में दिखता होगा मी, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, अकाउंट नंबर क्या है, नाम क्या है। यहाँ से पर्सनल अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिखाई देगा, आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, यहाँ से इसका आपका नाम, यहाँ पर एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन नंबर, सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयर माई अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर शेयर डिटेल पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से जो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। IFSC कोड मान लिया आप शेयर करना चाहते हैं किसी को, या फिर अकाउंट नाम या अकाउंट नंबर यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं तीनों को आप, और ज़रूरत है किसी को आपको पैसा भेजना है और उसको आप शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर शेयर डिटेल पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट उसको। इसका आपको मिलता है चेंज लॉगिन पिन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना लॉगिन पिन जो है आपका जो ऐप का लॉगिन पिन आपने बना के रखा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो UPI पिन आपने बनाया है, जो आपने पिन बनाया है लॉगिन पिन, इस पर क्लिक करेंगे, डालेंगे, नया बनाएंगे, नीचे ऊपर टैप करके आप यहाँ से सबमिट करेंगे। इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें इनेबल फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे फिर से। अब यहाँ पर देखिए लॉग आउट हो चुका है। अब आपको इसमें लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही लॉग आउट हुए तो अब यहाँ पे लॉगिन यूजिंग अ फिंगरप्रिंट है इस पर, और यहाँ से फिंगर अपना साथ पीछे में जहाँ पर आपका फिंगर है वहाँ पर आप टच करेंगे तो आप इस तरह से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद इसको बंद करना चाहते तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर सर्विस। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सर्विस से संबंधित सारा कुछ मिल जाता है, यानी कि अकाउंट सर्विस के संबंधित यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं पेई को। यदि आप वन टाइम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर से वन टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप किसी को यहाँ से बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए हुए ही यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए हुए डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर पेई का अकाउंट नंबर टाइप करना होगा, यहाँ अकाउंट का नंबर टाइप करना होगा, और यहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर, यहाँ पर निक नेम पर आप उसका अकाउंट उसका नाम ही डाल दीजिए और यहाँ प्रोसीड कर लीजिए। अदर बैंक को करना चाहते हैं तो यहाँ से अदर बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे। जैसे यहाँ पर हम किसी का अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेंगे जिसको हम भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम उसका अकाउंट नंबर टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पर किसी को डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि उसका ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है और उसका किसी और बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पर अदर बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर IFSC कोड टाइप करेंगे। यहाँ पर अकाउंट टाइप जो भी अकाउंट हो, सेविंग हो या क्रेडिट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नाम उसका लिख देंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज पे ही कर सकते हैं, यानी कि किसी को आप यहाँ पर ऐड किए हैं तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है कार्डलेस कैश विड्रॉल। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कार्डलेस यानी कि बिना ATM कार्ड के आप पैसा निकाल सकते हैं। अब ये हम बाद में बताएंगे कैसे इसमें निकालते हैं, किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद मिल जाता है आपको कार्ड सर्विस। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, नया ATM कार्ड को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और नया ATM कार्ड को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर पिन सर्विस मैंने बता दिया है, ये सारा कुछ आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई नो का फिर से मिल जाता ऑप्शन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया अभी वही चीज़ यहाँ पर फिर से दिया गया है। यहाँ पर पासबुक के लिए है, यहाँ पर वही चीज़ आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन पिन के लिए मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पर समझा दिया है। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने अच्छी तरीका से समझा दिया है कि ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग कैसे शुरू करते हैं घर बैठे। फिर भी आपको मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।